और आखिरकार भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन झुक गया। चीन ने भारत के साथ पुरानी स्थिति में सैनिकों के गश्त पर सहमति जाहिर की है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है। दरअसल हुआ ये कि भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने ये बताया है कि भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ी सहमति हो गई है। इस सहमति के मुताबिक भारत और चीन की सेना अब एलएसी पर पेट्रोलिंग करेगी और जल्द ही डिसएंगेजमेंट भी देखने को मिलेगा। जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पसे पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहत जरूर होंगी और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नजदीक रशिया है सर रशिया। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्त ही नहीं मान सकते। अक्साई चेन उसके हाथ में, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में, जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते। हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते। एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए नहीं। और भारत ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया काउंटर कि वो अप्रैल 2020 को जब आया था 3 डिवीजन लेके, वो अलग बात है कि सरप्राइज किया उसने, मगर हमने एक महीने के अंदर ही मेरे इमेज। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली चाइना और भारत के बीच में जो काफी दिनों से एलएसी के ऊपर टेंशन बढ़ी हुई थी वो खत्म होने जा रही है। और आपको पता ही होगा भारत के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अब ये कहा गया है कि चाइना और भारत के बीच में अब एग्रीमेंट हो चुका है कि जो पोजीशन 2020 के पहले थी, यानी चाइना और भारत जिस पॉइंट तक पहले पेट्रोलिंग करते थे, अब वो उसी तरह फिर से पेट्रोलिंग होगा और जल्द ही दोनों फौजें जो है एलएसी से डिसएंगेजमेंट भी करने वाली है, जिससे कि दोनों देशों की टेंशन खत्म होगी, दोनों के रिलेशन जो है थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। और इसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तौर पर देखा जा रहा है। मगर ये टेंशन इधर ख़त्म होती आपको नज़र आ रही है, उधर पाकिस्तानियों की काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो भारत और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद में पाकिस्तानियों के किस तरह की रिएक्शन इस एग्रीमेंट को लेके है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लद्दाख पे चाइना ने जब इस पे उन्होंने टेक ओवर किया था, हाँ। तो चाइना उस टाइम ये उनकी स्टेटमेंट थी कि ये लद्दाख हमारा हिस्सा है, और जो इंडिया है वो कहता था कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। अब ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे, तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना 2020 में जा रहे हैं। नहीं, आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं चाइना हार मान गया, वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पसे पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहत जरूर होंगी और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नजदीक रशिया है सर रशिया। नहीं, रशिया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में मंथ्स के अंदर जो चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, तो इट शोज़ कि रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है इनको नज़दीक लाने के लिए। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं, ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए, तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डाले। तो ये जो समिट हो रही है, अब ये भी एक रोड मैप टूवर्ड्स
कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप की तरफ एक हाथ है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो ममालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो ये दुश्मनियाँ वगैरह ये भूल जाते होते हैं, ये क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर तो करती है। चाइना को इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ रहा था, आज वो कहते हैं कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। नहीं, चाइना को क्यों इंटरेस्ट नज़र आता है, मैं कहता हूँ इंडिया को भी नज़र आ रहा है इंडिया के, ज़रूरी नहीं है कि चाइना इज़ अ सुपर पावर है और इंडिया को भी ये चीज़ समझ है। आबादी की बराबर होना या ज्यादा होना किसी मुल्क की डेवलपमेंट की निशानी नहीं होती। अगर मैं ये नहीं कहता चाइना की भी आबादी ज्यादा है, इंडिया की भी आबादी ज्यादा है, तो इसमें कोई शक नहीं, दोनों मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट चाइना इज द सुपर पावर और चाइना को जो है वो अमेरिका भी एक्सेप्ट कर, जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड, और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए, लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रही जाए रहे, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। और वो इसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गांव एलएसी के ऊपर बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा था 2018 से साइड पे, जिस तरीके से वो इंडिया को घेर रहा था, चाइना में उन्होंने श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इंडिया के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज थे ना वहाँ उन्होंने इंगेजमेंट स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान को जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा था वन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू, तो उनको लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था, जिस तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था, और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था, और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्ती नहीं मान सकते। अक्साई चेन उसके हाथ में है, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में, जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते, हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते, एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए, नहीं। ठीक है, अब एक चीज होती है प्रैक्टिकल रिलेशंस है। अब जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या, इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली, चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं, हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी, हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए, चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी, हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है। चाइना ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी जो है डिसएंगेजमेंट लद्दाख पे शो की है, क्योंकि चाइना लद्दाख को लेके बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाता, तो शी जिनपिंग ने बड़ी दफा बोला है जंग की तैयारी करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, कभी अपने जासूसी गुब्बारे भेजता है, कभी अपनी जासूसी शिप इंडियन ओशन में भेजता है कि मैं इंडिया की जासूसी करूँ। आप इंडिया से क्यों हाथ मिला रहे हैं? चाइना को वो कैपिटलिस्ट कंट्री वो चाहती है, वो हर जगह अमेरिका की तरह यानी अपने दोस्तों के साथ नहीं आती कि यहाँ पे अटैक कर, वो आती है थ्रू इन्वेस्टमेंट। ईरान वेस्ट से दूर हो रहा था, हाँ। वह ईरान में भी थ्रू इन्वेस्टमेंट आया, तकरीबन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने ईरान में की है, पाकिस्तान में जितनी की उससे 8 गुना ज्यादा उन्होंने ईरान में की है, अफगानिस्तान में भी वो मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं। अब इंडिया को देखा, अगर इनसे मैं दुश्मनी करूंगा तो उल्टा मेरा ही नुकसान है, और मोदी को भी इस वजह से काफी ज्यादा फ्लैशबैक आ रहा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ तो इतना एग्रेसिव होते हो, और उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट भी दिया कि ना कोई घुसा है हमारी बाउंड्री में, ये बात उनकी जो इंडियन आर्मी है वो भी डिनाई कर रही थी कि नहीं, कुछ ऐसे इलाके जो अंदर आए थे
पर चाइना को भी खुद रियलाइज हो गया कि इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको, वो कि ये सारा कुछ इंडिया के MEA ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है। लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीजों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। चाइना पीछे हटे ना तो मैं कहता हूँ इंडिया की जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसने ग्रो की है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा है कि भाई अब हमारा जो है ना मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की, इस वजह से बजाय इसके जानी नुकसान हो हमारी भी फौज जो है ना वो मरे उनकी भी मरे उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके तो से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। इसके साथ एक विक्ट्री और है यहां पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पे गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा जहां पे आके गलवान पे सैनिक मारे गए थे हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे, वो चाइना बोला नहीं और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाए। अच्छा जी मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो के बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूबरोगे। और वो जो रावी दरिया रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान और मोदी जी कई सालों के बाद में बायलैटरल एक मीटिंग भी इनकी होने वाली है दोस्तों। ये सब कुछ देखते हुए खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को झटका लगा हुआ है, पाकिस्तानियों को तो लगा ही, भले ही आपने देखा कि इनका कहना है कि भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इसमें, मगर अंदर से इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये नहीं चाहते भारत और चाइना के बीच में टेंशन कम हो और इनके रिलेशन थोड़े से बेहतर हो, मगर असली झटका तो अमेरिका कनाडा इनको लगा है क्योंकि जिस तरह अभी जो कनाडा भारत के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है ना ही कोई सबूत है और उसके सपोर्ट में अमेरिका और बाकी 5 की कंट्रीज भी आ रही है, उनको एक भारत ने बहुत अच्छी शिकस्त दी है और अब देखते हैं कि चाइना और भारत के बीच में आगे किस तरह रिश्ते बढ़ सकते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।